तो आजकल इसके एग्जाम चल रहे हैं, पता नहीं कैसे जा रहे हैं, टेस्ट ही आ रहे हैं। अरे हाँ, वो तो ऑनलाइन चल रहे हैं, चीटिंग करके लिख देता होगा ये, है ना? चीटिंग करके लिखता है ना। मैं सच्ची बता, जैसे मैं वीडियो में डालूंगा, बता दे, वीडियो में नहीं डालूंगा, बता दे। पीयूष की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, कल से सुबह भी इसको बुखार हो रहा था, अभी बुखार हो रहा है इसको, एक दो बजे दवाई, अभी भी हो रहा है। तो फिलहाल अभी हम इसको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, दवाई ले आते हैं इसके लिए। मौसम ही ऐसा हो रहा है, इसमें तबीयत खराब होनी, तो केयर करना आप भी, हम भी। तो पीयूष को दिखा लाए हैं, 98 पे बुखार था तो दवाई दी डॉक्टर ने, तो अब हमारे प्ले बटन पे कलर हो रहा है रेड, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे टाइप कर रहे हैं अंकल जी, और यहाँ पे हमारा प्ले बटन आपने इतना कर दिया। सो गाइस, प्ले बटन पे हमारा कलर हो चुका है, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है रियल में अगर आप देखोगे तो। अभी तो वाइड एंगल है, थोड़ा छोटा दिख रहा है। और यो, क्या कर रहे हो? आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मेरे को भाव ही नहीं दे रहा है, ये उसके पास ही जा रहा है, बीमार हो रहा है, बिस्कुट खा रहा है। दवाई लेके आया है अभी, दवाई खा ली? अच्छा, तेरे को देख रहा है वो बिस्कुट खाते हुए, तभी और यो के लेना। रोज बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग क्या क्या सजेशंस करते हैं, बट ना मैं आप लोगों को मान नहीं सकता, बिकॉज मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास तो मैं डॉक्टर की मान सकता हूँ, डॉक्टर ने बोला है और डॉक्टर मुझे इतना डांटते भी, और मैं बिल्कुल बेस्ट डॉक्टर के पास जाता हूँ हाँसे उसार के, नहीं तो मैं यहाँ अपनी सिटी में जा सकता हूँ, अपना बाइक पे, गाड़ी में आपने देखा होगा, तेल फूके क्यों जाऊँगा इतनी दूर। बेस्ट डॉक्टर हैं, उनकी सलाह मानता हूँ मैं ओनली, जो वो बोलते हैं, और बिल्कुल अच्छे से, मतलब मैं अपने बिल्कुल बच्चे की तरह रखता हूँ इसको, बहुत घर के मेम्बर की तरह, और बिल्कुल घर का मेम्बर ही है हमारा। तो हाँ, बुरा मत मानना गाइस, और मेरे को बहुत ज़्यादा केयर है इसकी, सच्ची में बहुत ज़्यादा। ओ अम्मा, प्ले बटन हो गया रेड, प्यारा लग रहा है, प्ले बटन हो गया। क्या कर रहे हो, व्लॉग देख रहे हो? अरे गेम खेलता है ना? नहीं, फोन चलाता है। कब खेलता हूं? फोन में 4-5 घंटे नजर लगी रहती, नजर लगी रहती, तो नजर से तो होगा सिर में दर्द। फोन लिया यार, फिर फोन में लगाया, छोड़ इसको। तू एक काम कर, तू 2 दिन तक फोन को हाथ भी मत लगा, तेरा सिर बिल्कुल ठीक रहेगा। 4 बज चुकी है, अब हम चलते हैं ऊपर, देख के आते हैं कितना काम हुआ है, और सबके लिए आज मैंने चाय बनाई है, सबके लिए, मतलब जो भी काम कर रहे हैं। अभी तक मैं प्रैक्टिस कर रहा था ड्राइंग की, और प्रिपरेशन कर रहा था कि मुझे नेक्स्ट क्या वीडियो बनानी चाहिए अपने नए आर्ट स्टूडियो में, तो बस दिमाग में वही चल रहा है। नीचे वाला उठ। अरे भारी है, तेरे हाथ में दर्द हो जाएगा, कहना मान ले। हेलो गाइस, आज हमारा सौरभ कटते कटे उठा रहा है, आज अम्मा ब्लॉकिंग कर रही है, अब उसके पैर में हाथ में दर्द होगी, देख लेना, नहीं होगी तो बस मेरे से कह देना। हाँ, 3 कट्टे ले गया मैं। 3 कट्टे ले गया, 50-50 किलो के। अरे मैं इससे ज़्यादा ले जाती, अब तो मैं बुढ़िया हो गई, मैंने कुछ क्या करें, फिर भर के कट्टे ले जाती थी मैं। कैमरा तो मेरी साइड करो। हाँ ला करो, तो साइड ला। मैं ना जब जवान थी, इसको एक कट्टे पूरा भर के ले जाती थी। अभी 6 बजे और पीयूष अभी अभी उठा है, आज पूरा दिन मस्त तरह से सो रहा है। तबीयत ठीक है अब? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो, दवाई खा ली थी इसने, खाना पीना खा लिया था, अब ठीक लग रहा है। आज ऊपर की पूरी साफ़ सफाई करनी है, रूम को बिल्कुल क्लियर बनाना, बिकॉज कल हवन होगा, तो हवन के लिए सामान वगैरह लाए थे जलाने के लिए, और जो हवन में जो भी यूज़ होता है पंडित जी ने बोला था, तो बड़ी लिस्ट दी थी, वो लेके आए थे, और बस उसी में बिजी हैं सारे के सारे, साफ़ सफाई करने में, सामान लाने में। काम कर रहे हैं वो, आपका स्टूडियो बना रहे हैं। अरे आपका स्टूडियो बना रहे हैं, अरे आपका आपका स्टूडियो बना रहे हैं, ऐसे क्यों भाग? अरे पेंट कर रहे हैं वो, प्ले बटन उन्होंने ही पेंट किया है। तो चलो, आज मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स में देखता हूँ डेली, वीडियो में आते रहते हैं, तो सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी साहिल आ गया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन साहिल से ही है कि साहिल व्लॉग्स में बिल्कुल कम क्यों आता है, या फिर आता ही नहीं है? भाई मेरे घर के काम करने होते। चल झूठा, घर के काम नहीं, झूठ बोलता है ये, शाम के टाइम पे भाग जाता है, कैमरे के आगे बोलता भी नहीं ज़्यादा, तो आता भी नहीं है। पीयूष बोलता है तो वो आ जाता है, बस यही बात है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, बोलता नहीं है, मतलब उसको ये सोचता है क्या बोलूँ, इसलिए आता ही नहीं है। तो साहिल ने उनकी पतंग पकड़ ली है। मैंने तब
मैं नहीं देता भाई, हमारी छत पे आ गई, अब हमारी होगी। तूने हमारी छत पे क्या फेंकी भाई? हमारी है जी की छत पे आती है, जिसकी छत पे गिरती है उसकी हो जाती है। नीचे आ जा तब फेंक देंगे। आ जा जा नीचे, दे डाल रहा हूं मैं। गाइस एक चीज नोटिस करना, इसका जो एक कान है वो खड़ा हो चुका है, बस एक बाकी है, फिर ये और प्यारा लगेगा। देखो एक कान खड़ा हो चुका है इसका, आज ही हुआ है। एक जो मेन कमेंट आता है वो पीयूष के लिए आता है कि पीयूष पढ़ाई नहीं करता, कभी भी ब्लॉग में दिखता नहीं है, बताइए नहीं करता पढ़ाई? करता हूं। कब करता है? आजकल इसके एग्जाम चल रहे हैं तो आजकल इसके एग्जाम चल रहे हैं, पता नहीं कैसे जा रहे हैं। टेस्ट आ रहे हैं। अरे हाँ वो तो ऑनलाइन चल रहे हैं, चीटिंग करके लिख देता होगा ये, है ना? चीटिंग करके लिखता है ना। मैं सच्ची बता, मैं वीडियो में डालूंगा, बता दे। वीडियो में नहीं डालूंगा, बता दे, बता दे। वीडियो में नहीं डालूंगा, पक्का नहीं डालूंगा। अरे पक्का, मैं कट कर दूंगा ये सीन। करता है ना थोड़ी सी, थोड़ी करता है ना। तेरी स्माइल बता रही है, तू करता है चीटिंग। वैसे जिन बच्चों को स्कूल जाना पसंद था, टेस्ट पसंद नहीं थे, मार पिटाई पसंद नहीं थी, स्कूल की भागदौड़ पसंद नहीं थी, उनके लिए तो उनको तो काफ़ी मज़ा आ रहा होगा कोरोना टाइम में। बट जो लोग अर्न करते थे, उनके पेरेंट्स वगैरह, उनके लिए आफत है। बच्चों के लिए इतनी नहीं है, जो लोग जो इतना सोचते नहीं है पीयूष की तरह। यार मैं करता था पढ़ाई, फिर तो बर्थडे आ रहा है। किसका? अच्छा हाँ, मेरा बर्थडे आ रहा है गाइस 8 सितंबर को, मैं बता रहा हूँ आपको, देख लो, मुझे विश कर देना। मैं बोल के विश ले रहा हूँ आपसे। वैसे बुखार ठीक है अब? हो रही है जैसी। ये कान भी खड़ा कर ले अपना। ओए भागता है ना, सिर इधर होगा, ये हिस्सा इधर होगा, ये भागेगा। और एक क्वेश्चन था कि तुम्हारे ओरियो की ब्रीड क्या है, हमको भी लेना है ऐसा। तो बिगिनर के लिए मेरे ख्याल से ठीक नहीं है ये, फर्स्ट ओनर के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है ये, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। काट काट के छोड़, 24 घंटे इसकी ख्याल रखना पड़ता है, 24 घंटे ध्यान रखना। लैब्रा ले लो गाइस, बेस्ट है लैब्रा, फर्स्ट ओनर के। वो इतना अग्रेसिव नहीं है, वो इतना ऐसे करेगा नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ, एक या दो तीन वीडियो में कवर कर चुका हूँ पीयूष के बारे में, कि पीयूष आपकी मम्मी को बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी क्यों बोलता है? साहिल कौन है? देखो हम तीनों हैं भाई, हम तीनों भाई भाई हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी एक और भाई है हमारा, पीयूष से भी खतरनाक, पीयूष से छोटा है, पीयूष का छोटा भाई कुणाली, जिसको आपने देखा भी होगा व्लॉग में, मेरे ओल्ड व्लॉग में। जो लोग नए जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा, उससे मिलाएंगे आपको। ये भी तो रहा मेरा भाई। तो गाइस और ये जोशी को वही 4-5 दिन वाली प्रॉब्लम हो गई है, देख लो। हे गाइस, तो रूम मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, 90% हो गया है, बस 10% बाकी है जो कि हो जाएगा। कल हवन है उसके बाद, तो अभी मतलब लोग आ जा सकते हैं, तो कल हम हवन करेंगे। इसीलिए देखो सब कुछ साफ सफाई चल रही है, मम्मी जी पापा जी, मतलब विदाउट पेरेंट्स नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो आई एम वेरी ग्लैड। तो चलो मैं भी थोड़ी बहुत करवाता हूँ साफ सफाई, मतलब अच्छे से रूम को भी साफ करना है, क्योंकि कल काफ़ी लोग आएंगे। सब पेंट किया था तो सारा पेंट नीचे टपका हुआ है, तो पत्ती से इसको रगड़ रगड़ के निकालना पड़ेगा अब। हम चलो निकालते हैं, साफ सफाई करते हैं फ्लोर की, बाकी सब कुछ ठीक है, बस फ्लोर ही साफ करना है। तो गाइस रूम को बिल्कुल चकाचक एकदम क्लीन बना दिया है तीन जनों ने मिलके, एक घंटा लगा के, बिल्कुल मस्त टाइल्स लग रही हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा अच्छे से, बिकॉज कल हवन भी है तो सब आएंगे, हवन होगा, तो कल के व्लॉग के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। आई होप आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। सो गाइस फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना है, और नेक्स्ट व्लॉग में देखना, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ कल के लिए, आप लोग भी होंगे जैसे कि मैंने बोला। सो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तेज मारते हैं, तेज ऐसे मारो, जोर का, ना ना नहीं गिरेगा, जोर का मार दो, ऐसे नहीं, मैं भाई बोलूँगा ना तब मारना, भाई रुको, अरे ऐसे नहीं, बाय बोलते ही आप बहुत क्यूट हो, पता नहीं आपको? नहीं पता आपको? बताना गाइस कितना क्यूट है। चलो बाय।